organism. When you are trying to classify any plant or animal or bacteria, anything else. So key is that thing which gives you help, which provide you help and support to classify that organism. So look, for example, आपसे कोई ये पूछता है कि आपको biology कौन पढ़ाता है? आपने मेरा नाम लिया, लेकिन he or she is unable to recognize me, और आपके पास मेरा कोई फोटो नहीं. तो वो पर्टिकुलर कोई भी पर्सन है, वो मेरी सोसाइटी में आता है, आपसे वो मुझसे मिलना चाहता है या मुझे जानना चाहता है. तो आप बोलोगे कि अगर जानना चाहते हो आप जाकर डायरेक्टली मिल लो. अभी वो कहता है लेकिन मैं मिल तो लूं, लेकिन उनको पहचानूंगी कैसे? तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे वहां पे उनका घर है. उसने बोला नहीं, मैं पहचान नहीं पा रहा कि घर का, कैसे मुझे पता लगेगा? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ऐसा करना. तो आपने कहा कि देखो मैं आपको बताता हूँ, आप सोसाइटी तक पहुंच जाओगे. उसने बोला हाँ मैं सोसाइटी तक पहुंच जाऊंगा. तो उसने आपने कहा कि जैसे आप सोसाइटी में एंटर करोगे तो राइट साइड वाला घर उनका है, लेफ्ट साइड वाला कोई भी घर उनका नहीं. तो आपने क्या किया? राइट साइड वाला घर उनका है, मतलब मेरा घर राइट साइड वाला है, लेफ्ट साइड वाला घर मेरा नहीं. तो आप एक पॉजिटिव फीचर बताते जा रहे हो, एक नेगेटिव फीचर. दूसरा आपने कहा कि जैसे आप पहुंचोगे तो जो भी डबल स्टोरी का घर होगा वही उनका होगा, सिंगल स्टोरी का घर उनका नहीं हो सकता है. फिर आपने एक पॉजिटिव फीचर बताया, एक नेगेटिव फीचर बताया. फिर आपने कहा कि जैसे आप पहुंचोगे तो घर के सामने सिंगल प्लांट होगा, एक सिंगल प्लांट होगा. डबल प्लांट या मोर देन डबल प्लांट अगर किसी के घर के सामने है तो वो घर उनका नहीं हो सकता. फिर आपने कहा कि जैसे आप पहुंचोगे तो ब्लू कलर वाला गेट उनका होगा, और ब्लू कलर के अलावा किसी दूसरे कलर का, कोई भी रेड कलर का गेट उनका नहीं हो सकता. तो आप क्या करते जा रहे हो? मेरे घर तक पहुंचने के लिए उसको एक एक पॉजिटिव फीचर बताते जा रहे हो और नेगेटिव फीचर क्या लिस्ट अलग बताते जा रहे हो. तो आपने ऐसे क्या किया? पॉजिटिव और नेगेटिव फीचर की एक लिस्ट बना दी और उस बंदे को दे दिया. वो मेरी सोसाइटी में पहुंचा और फीचर को करेक्ट मैच करते करते वो मेरे घर तक पहुंच जाएगा, डेफिनेटली पहुंच जाएगा, राइट? सो क्या हुआ? आपने उसको की दे दी, ये जो लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक थी आपने उसको की दे दिया, एंड दैट की हेल्प हिम और लाइक हर टू रीच एट माई हाउस, और वो बंदा या बंदी मेरे घर तक पहुंची, राइट? तो की क्या होता है? की वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो लिस्ट होती है कैरेक्टरिस्टिक की, जिनके बेसिस पे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं, या क्लासिफिकेशन में एग्जैक्टली वो कहां पर लाई करेगा उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. इस तरह के लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को हम की कहते हैं. सो दे आर टैक्सोनॉमिकल एड. जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी एनिमल को, किसी भी प्लांट को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हो तो की आपके पास दो सेट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक पॉजिटिव सेट कैरेक्टरिस्टिक, दूसरे नेगेटिव सेट. इन कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से आप उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर पाते हैं. दैट इज कॉल्ड की. क्लियर आफिया, इफ्रा, क्लियर है? की समझ में आ गया? यस सर. राइट, ग्रेट. ठीक है, तो चलिए नोट करिए. की इज अ टैक्सोनॉमिकल एड. की इज अ टैक्सोनॉमिकल एड. It is list of alternate characteristic or statement. It is list of alternate characteristic or it is list of alternate characteristic of organism which help to identify organism. Usually there will be couple of contrasting characteristic. Which help you to classify organism. इसी में लिखेंगे full stop. Every characteristic or statement is called lead. ये जो दोनों characteristic है ना, positive negative, इनको हम lead कहेंगे. Every characteristic
और स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड, दैट्स इट। तो एक ही हो गया। अब आप एक काम करिए, इस पूरे चैप्टर में देखिए कि आपको ऐसा क्या है। सर, अगर कुछ, हाँ जी बेटा बोलो। सर एक बार ये सब रिपीट कर दीजिए। क्या मतलब लिख नहीं पाई या फिर समझा दूं दोबारा से? सर लिख नहीं पाई। अच्छा लिख नहीं पाए, ठीक है। तो वैसे तो मैंने अपने मन से बोला हुआ था, तो नोट करेंगे। की इज अ टैक्सोनॉमिकल एड, की इज द टैक्सोनॉमिकल एड विच हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज एंड क्लासिफाई एनी ऑर्गेनिज्म। इट इज अ लिस्ट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक विच हेल्प यू टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। फुल स्टॉप। यूजुअली द कैरेक्टरिस्टिक remains in couple, full stop. These characteristic or statement, these characteristic or statement known as lead. These characteristic or statements are known as lead. ठीक है भाई? Yes. अब आप फर्स्ट चैप्टर में देखिए कि आपको कोई सा भी ऐसा लाइक कोई टॉपिक, कोई हेडिंग जो आपको ना समझ में आई हो, आप समझना चाहते हो या क्लियर ना हो, आप पूछ लीजिए। फिर हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और एक्चुअल में बायोलॉजी यहीं से स्टार्ट होने वाली है सेकंड चैप्टर से। बताइए भाई। सब कुछ क्लियर है? अर्पित? यस। ऑल क्लियर इन फर्स्ट चैप्टर? आप थे लास्ट क्लास में? अर्पित लास्ट क्लास में थे? यस सर था। अच्छा चलो ग्रेट। तो अभी तक कोई डाउट किसी को, आप तीनों को किसी भी तरह का कोई डाउट लास्ट क्लास में करो तो पूछ लीजिए, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। हाँ जी बेटा बोलो। नो सर, नो डाउट। ओके ग्रेट। चलो तो हम लोग सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, है ना। फिर से पहले मैं आपको समझा देता हूँ, और फिर मैं आपको नोट डाउन भी करवाऊंगा, और आपको कहीं पर ना समझ में आए तो आप बताइएगा, ठीक है। तो चैप्टर सेकंड, चैप्टर सेकंड हमारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ही कहते हैं। तो हम लोग आप पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब बोले तो क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, मैं आपको कुछ थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, तो कितने टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं हम पहले बात करते हैं। तो अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात की जाए, है ना, क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो सबसे पहला होता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये क्या चीज होती है, सबसे पुराना क्लासिफाई करने का सिस्टम। जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, तो जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्लासिफाई कर देते हैं, तो उसको हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल क्या मतलब हुआ, आपने बाहर से देख करके कहा कि जो भी 4 मीटर से छोटी कार है वो हैचबैक है, 4 मीटर से जो बड़ी है वो सेडान है, और उससे जो बड़ी है वो एमयूवी है, एलयूवी है। आपने लेंथ के बेसिस पे, तो बाहर से मेजरमेंट के बेसिस पे आपने क्लासिफाई कर दिया। आपने देखा नहीं कि वो पेट्रोल से चलती है, वो डीजल से चलती है, वो बैटरी से चलती है, वो
किस चीज से चलती है, आपने ये नहीं देखा, आपने उसको क्लास या सीएनजी से चलती है, आपने उसको क्लासिफाई कर दिया। तो पहला था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या है, दूसरा आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जस्ट थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम जब भी ऑर्गेनिज्म को या एनिमल्स को या प्लांट को क्लासिफाई करते हैं तो उनके बीच में क्या देखते हैं, दो चीजें देखते हैं। एक तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। सो हियर वी सी द नेचुरल रिलेशनशिप, मेनली नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। अब आज की डेट में अब आ जाते हैं तीसरा वाला, तीसरा है फाइलोजेनेटिक। कोई बता सकता है व्हाट इज फाइलोजेनेटिक? सर ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। वेरी गुड, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ग्रेट। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, जब हम ऑर्गेनिज्म को, तो देखो पहले वाले कैरेक्टरिस्टिक तो हम लोग काउंट करते ही करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम लोग और क्या चीज काउंट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। तो जब भी हम क्या करते हैं, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, एवोल्यूशन में जो पहले आए उसको क्लासिफिकेशन में अपन पहले रखेंगे, जो बाद में आए उनको बाद में रखा जाएगा, राइट। जो ज्यादा मॉडर्न है कॉम्प्लेक्स उनको बाद में रखेंगे, जो पहले आए प्रिमिटिव है और जो सिंपल उनको हम पहले रखेंगे। सो दैट इज कॉल्ड फाइनोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिकली यही तीन सिस्टम होते हैं जो क्लासिफिकेशन के फॉलो किए जाते हैं, और ये तीनों जो सिस्टम है, इन तीनों सिस्टम में आज की डेट पे हम आप जो यूज करते हैं, दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। क्लियर है भाई, यहां तक समझ में आ गया? मॉर्फोलॉजी क्या होती है? व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? सर फिजिकल अपीयरेंस। एग्जैक्टली, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, है ना? ठीक है, ओके। तो ये तीन तरह के बेसिकली क्लासिफिकेशन सिस्टम थे। तो वर्ल्ड का सबसे पहला क्लासिफिकेशन, द फर्स्ट सर क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड, किसने दिया था? फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड, बताइए भाई किसने दिया था? देखो, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था, एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने इस पूरी दुनिया में जितने सारे एनिमल थे उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, है ना? तो उसने कहा कि पूरे वर्ल्ड में दो तरह के एनिमल। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसा था, वो एनिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, मतलब सबसे पहले एनिमल को क्लासिफाई किया। उसने कहा कि इस दुनिया में दो तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना? पहले वो एनिमल, उसने कहा कि उन एलिमेंट इन एइमा, तो उसने कहा इन एइमा दोस एनिमल, तो हमने उसने क्लास बनाया इन एइमा, उसने कहा इसमें उन एनिमल्स को रखा जाएगा दोस एनिमल विच हैव रेड ब्लड, विच हैव रेड ब्लड। तो ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड पाया जाता है उनको इन एइमा कहा जाएगा। और उसने कहा कि कुछ ऐसे दूसरा क्लास है एन एइमा, उसने कहा कि एन एइमा में उन एनिमल्स को रखा गया विच डू नॉट हैव रेड ब्लड। तो जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाएगा उनको दूसरे क्लास में रखेंगे एन एइमा। और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम देने का क्रेडिट किसको जाता है? सर एरिस्टोटल। वेरी गुड, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वॉज दैट पर्सन who given first classification system, he classified animal in two category, usne animals ko do category mein rakha, with red blood and without red blood, right? to usne kaha inaima aur anaima, ye question neat mein actually pucha hua hai ki anaima kya hota hai, do baar aaya hai question neat mein anaima kya hota hai, so isi se tha, to maine socha isliye aapko bata deta hu. aur aristotle ko hum log kya bolte hain, we call him father of biology. very good, inhi ko hum father of biology bhi kehte hain. bahut badhiya, tum log to smart ho bhai, फादर ऑफ बायोलॉजी भी इन्हीं को बोलते हैं। सो द फर्स्ट, अच्छा आप एक बात, तो इन तीनों में से फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा था, ये किस टाइप का था? अब आपके सामने बताओ क्वेश्चन, अरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था इन तीनों में कौन सा था, बोलो भाई। भाई देखो, इसने ब्लड के कलर के बेसिस पे डिफाइन कर दिया, तो ब्लड का कलर, तो वो हर चीज जो हमें आंखों से दिखाई देती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल, मॉर्फोलॉजी, है ना? तो आर्टिफिशियल के बेसिस पे था, ब्लड के कलर के बेसिस पे डिफाइन किया, ठीक है।
एक और बात एडिशनली यहीं पे बताऊंगा, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत पहले दिया गया 350 BC, है ना। तो 350 BC बहुत पुरानी बात है, बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 350 साल पहले। आप सोचिए साइंस बहुत पहले आ चुकी। ओके, अब इसके बाद अरिस्टोटल का ही एक स्टूडेंट हुआ करता था, है ना। उस बंदे ने कहा कि पूरे दुनिया में जो प्लांट होते हैं वो तीन कैटेगरी के पाए जाते हैं। उसने कहा जो छोटे प्लांट होते हैं उन्हें हर्ब कहा जाएगा, और उसने कहा मतलब 1 से 2 फीट के प्लांट जो उनको हर्ब कहेंगे अपन, और वो सॉफ्ट होते हैं। फिर उसने कहा जो 2 to 5 फीट के प्लांट होते हैं और उनमें स्पाइनी बुशेस पाई जाती है उनको श्रब कहा जाएगा, ठीक है। और उसने कहा कि तीसरे कैटेगरी के जो 7 फीट से ज्यादा बड़े प्लांट होंगे उनको ट्री कहा जाएगा, और इनके स्टेम थिक होंगे, है ना। तो उसने प्लांट को हर्ब, श्रब और ट्रीज में डिवाइड किया। हिज नेम वाज थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस वो बंदा था जिसने सबसे पहले प्लांट को क्लासिफाई किया, एंड थियोफ्रेस्टस वाज द वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल। ये अरिस्टोटल का स्टूडेंट था, और थियोफ्रेस्टस को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। वेरी गुड, इनको हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है भाई। तो चलो, यहां तक मैंने आपको एडिशनली कुछ चीजें बताई। अब आते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम, कितने टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम, कितने कितने क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाए गए, है ना। नोट करते जा रहे हो ना आप लोग ये सब चीजें? यस सर। ठीक है, नोट करते जाना, है ना। ये मैं आपको एक्स्ट्रा जो बता रहा हूँ वो आपको नीट के लिए बता रहा हूँ, आप देखो। इसके बाद आते हैं, तो सबसे पहले आता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो एक बंदा था जिसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, उन साहब का नाम था कार्ल वॉन लिनियस। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम कार्ल वॉन लिनियस ने दिया था, कार्ल वॉन लिनियस, ठीक है। तो कार्ल वॉन लिनियस, जिनको कैरोलस लिनियस भी कहा जाता है, इन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाए। उन ग्रुप्स को क्या बोला, ग्रुप्स को उन्होंने कहा किंगडम। तो उन्होंने को बोला कि सबसे पहला वाला जो ग्रुप है तो उसे हम लोग बोलेंगे तो फर्स्ट किंगडम। तो उसने कहा सबसे पहला जो किंगडम है वो प्लांटे ही है। उसने कहा कि पहला किंगडम प्लांटे ही होगा, जिसमें जितने भी प्लांट होंगे उनको सबको रख दिया जाएगा। फंजाई भी उस जमाने में इसी में आया करती थी, फंजाई वॉज इवन द पार्ट ऑफ प्लांटे। और सेकेंड उसने कहा कि दूसरा जो किंगडम होगा दैट इज एनिमिलिया। तो उसने कहा कि दूसरा किंगडम है एनिमिलिया, तो दूसरा जितने भी एनिमल्स होंगे सबको हम एनिमिलिया में पढ़ेंगे। तो 2 किंगडम उसने बनाया, दैट इज कॉल्ड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लियर है भाई? यस सर। तो उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। अब उसके बाद आ जाते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम तो ऑलरेडी हो गए, आगे आने वाले साइंटिस्टों में इसमें 1 किंगडम और एड ऑन कर दिया, है ना। तो तीसरा किंगडम जो एड ऑन किया गया, नोट करते रहिए, फिर आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक और साइंटिस्ट आया, तो उसने कहा कि ये सब बातें तो ठीक हैं। उन्होंने कहा कि देखो, ये जितनी भी बातें बताई ये सब बातें बढ़िया थी, लिनियस साहब ने जो भी बताया। तो उसने कहा कि लिनियस ने सबसे पहले कहा कि पहला किंगडम बना दे जाए प्लांटे, आई डू एग्री विद हिम, प्लांटे, तो उसमें प्लांट आ गए। उसने कहा कि लिनियस साहब ने दूसरा किंगडम बनाया एनिमिलिया, ये भी बात सही है। बट उसने कहा कि प्लांटे और एनिमिलिया में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उन सबको निकालो, इसमें सिर्फ मल्टी सेलुलर होने चाहिए। तो उसने क्या किया कि एनिमिलिया और प्लांटेई से, दोनों से जितने भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म थे उनको निकाल दिए, और उसने एक किंगडम, नया किंगडम बनाया। तो थर्ड किंगडम जो क्रिएट किया वो था प्रोटिस्टा। तो उसने थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा बना दिया। तो प्रोटिस्टा वॉज द थर्ड किंगडम, एंड दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज गिवन बाई नो बट अदर देन हैकेल। जानते हो क्या इनको? HAECKEL, सुना है किसी ने नाम? चलो मैं इनका पूरा नाम बताता हूं। इनका नाम है अर्नेस्ट हैकेल। आप बताओ जानते हो?
अर्नेस्ट हैकेल वो थे जिन्होंने कहा, एक स्टेटमेंट दिया था, ये स्टेटमेंट भी मेडिकल में कई बार पूछा गया कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इट वाज कॉल्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल। उन्होंने बोला था कि प्रोटोप्लाज्म ही फिजिकल बेसिस है लाइफ का, अर्नेस्ट हैकेल, और बहुत फेमस साइंटिस्ट है, इकोलॉजी में कुछ चीजें इनकी है। तो अब तीन किंगडम हो गए है ना, तो थर्ड किंगडम वॉज गिवन बाई अर्नेस्ट हैकेल। क्लियर है? Yes, कई बार पूछ लिया जाता है कि इस डेवलपमेंट के बेसिस पे थर्ड किंगडम कौन सा बना, फोर्थ किंगडम कौन सा बना अपना, ठीक है? तो हम लोग देखो, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि पहले आता है मोनेरा, फिर आता है प्रोटिस्टा, फिर आता है फंजाई, फिर प्लांटे, फिर एनिमलिया। तो ये तो एवोल्यूशनरी बेसिस पे सीक्वेंस है, मतलब फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जो फाइव किंगडम हम पढ़ते हैं वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम पे बेसिस है। ये डेवलपमेंट के बेसिस पे हम लोग पढ़े, जैसे जैसे वो एड होते गए उसी सीक्वेंस में लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना? इसलिए आपको याद रखना है कि तीसरा कौन आया, चौथा कौन आया, ठीक है? अब आते हैं फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ये कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, अब क्या हुआ, अब एक और कमाल की बात होगी। कमाल की बात यह हुई कि अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई। ये वो समय आया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज लिया गया है ना। सो एट द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एट द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा गया तो पता चला कि भाई साहब कहानी कुछ अलग है। सेल तो दो तरह की होती है, अभी तक तो यही नहीं पता था कि सेल दो तरह की होती है, अब पता चला कि कहानी कुछ अलग है, सेल दो तरह की होती है, यूनिसेलर मल्टीसेलर तो छोड़ ही दो, एक और तरह की सेल पाई जाती है जिन्हें प्रोकैरियोट कहा जाता है। तो अब एक साइंटिस्ट आया कोपलैंड, कोपलैंड ने कहा कि भाई प्रोकैरियोट्स को तो अलग करो फिर। तो कोपलैंड ने कहा कि जितने भी फाइलम है सब में से प्रोकैरियोट निकाल लो, और उसने कहा कि प्रोकैरियोट को आप अलग कर लीजिए, और प्रोकैरियोट को अलग करके हम लोग एक अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक अलग किंगडम बना देते हैं। तो उसने कहा कि ये बात सही है, सबसे पहले प्लांटे को रखा जाएगा, तो प्लांटे रखा गया। फिर दूसरे नंबर पर उसने कहा ये बात भी सही है कि एनिमिलिया दूसरे नंबर पर आया है ना, फिर तीसरे नंबर पर आया है ना प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा आ गया। फिर उसने कहा कि लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोकैरियोट को सब यूकैरियोट से अलग करना पड़ेगा, और उसने कहा कि प्रोकैरियोट को अलग करने का एक ही तरीका है, प्रोकैरियोटिक सेल के बेसिस पे उनको अलग कर लिया जाएगा और बना दिया क्या, मोनेरा। तो कोपलैंड ने एक चौथा किंगडम ऐड किया एंड दैट वाज मोनेरा किंगडम, तो मोनेरा वाज द फोर्थ किंगडम। क्लियर है? यस सर। नोट करिए फिर इसको इसी बात पे। नोट कर लिया? यस। चलो ग्रेट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो प्रोटिस्टा हो गया हमारा, मोनेरा हो गया ना। अब आते हैं तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया, कौन थे वो? तो एक और भाई, हाँ एक और भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि देखो ये सब वन किंगडम टू किंगडम फोर्थ किंगडम तक तो कहानी हो गई, मैं आपको बताता हूँ, आप एक काम करो एक और अलग करो फंजाई। और उसने बोला कि इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, फाइलोजेनेटिक होगा, एवोल्यूशन के बेसिस पे इनको रखा जाएगा। So now the five kingdom classification system came. Five kingdom classification system. और आज भी हम इसको फॉलो करते हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ये जो दिया था, इस सिस्टम को देने का क्रेडिट जाता है आर एच वाइटेकर साहब को, है ना? तो आर एच वाइटेकर, तो आर एच वाइटेकर ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया। और इन्होंने कहा कि देयर विल बी फाइव टाइप ऑफ द किंगडम, और वो पांचों जो किंगडम थे इन्होंने उसका अरेंजमेंट भी चेंज कर दिया,
सबसे पहले इन्होंने कहा कि एवोल्यूशनरी बेसिस पे सबसे पहले कौन प्रोकैरियोट आए होंगे, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मोनेरा आएगा। फिर उसने कहा कि दूसरे नंबर पर कौन आएगा, उसने कहा प्रोटिस्टा आए होंगे, तो दूसरे नंबर पर प्रोटिस्टा आएगा। फिर वाइटेकर साहब ने कहा कि तीसरे नंबर पर कौन आएगा, तो तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि ये प्लांटेई से एक और चीज अलग कर दो जो लिनियस साहब ने नहीं अलग किया, उसको बोला गया फंजाई, तो उन्होंने कहा कि फंजाई को आप अलग कर लीजिए, तो थर्ड फंजाई हो गया। फोर्थ नंबर पर क्या आया, प्लांटेई, और फिफ्थ नंबर पर क्या आया, एनिमिलिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लियर है। अब देखो, अब हमें यह समझना है कि ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था, इसको बनाने का बेसिस क्या था, वाइटेकर का आखिर व्यू क्या था, वाइटेकर ने इसको फाइलोजेनेटिक सिस्टम पे बनाया, कैसे वाइटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया, अब ये बात हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, अब देखो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मैं आपको दिखाता हूं, यहां तक नोट कर लिया आपने, फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाट वाज द बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब रुकिए, मैं आपको दिखाता हूं कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का बेसिस क्या है। आप देखो, ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है, इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में देखिए तो किस किस बेसिस पे किया गया। तो वाइटेकर ने कहा कि देखो पहले क्या है कि पहले पूरे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं उनको अलग कीजिए और यूकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को उसने अलग किया। तो उसने कहा कि प्रोकैरियोटिक जो सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा यूनिसेलर होते हैं, वो कभी मल्टीसेलर हो ही नहीं सकते, और ये मोनेरो लिखा हुआ है ना, मोनेरा है, ठीक है ना, ए इसको समझना। तो उसने कहा कि सबसे पहला जो किंगडम होगा वो मोनेरा होगा, और एवोल्यूशन में भी एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से यही सबसे पहले आया, तो एक किंगडम बना मोनेरा। फिर उसने कहा कि देखो यूकैरियोट दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट तो हमेशा यूनिसेलर होते हैं, दे कैन नेवर बी मल्टीसेलर। हो सकते हैं क्या प्रोकैरियोट मल्टीसेलर, आफिया हो सकते हैं प्रोकैरियोट? नो सर, नहीं हो सकते ना, ठीक है, तो वो सही बात है, बिल्कुल नहीं हो सकते और कभी नहीं हो सकते, है ना, प्रोकैरियोट मल्टीसेलर कभी नहीं हो सकते, तो उसके लिए किंगडम बना मोनेरा। फिर उसने कहा यूकैरियोट दो तरह के लेकिन हो सकते हैं, यूनिसेलर और मल्टीसेलर। उसने कहा कि यूनिसेलर यूकैरियोट्स को अपन अलग कर देते हैं और सेकंड किंगडम बनाया उसने प्रोटिस्टा, और एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से मोनेरा के बाद प्रोटिस्ट ही आए हैं। फिर उसने कहा कि जितने भी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है इनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला विद सेल वॉल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी की सेल के बाहर सेल वॉल पाई जाती, तो उनको क्या किया गया, अलग किया गया, और विदाउट सेल वॉल वालों को अलग कर दिया। विदाउट सेल वॉल वाले मल्टीसेलर जो थे वो सिर्फ एनिमल्स थे, इसीलिए उनके लिए किंगडम एनिमिलिया बनाए। फिर विद सेल वॉल वालों के साथ भी दो प्रॉब्लम थे, मल्टीसेलुलर बट हैव सेल वॉल, वो दो तरह के थे, एक वो जो फोटोसेंसिस नहीं करते थे और दूसरे वो जो फोटोसेंसिस करते थे। तो जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे उनके लिए वाइटेकर ने एक और अलग किंगडम ऐड किया और कहा ये फंजाई किंगडम, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस व्हिच आर यूकैरियोट आर मल्टीसेलुलर हैव सेल वॉल एनेबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस दे हैव बीन केप्ट इन अ किंगडम एंड दैट इज प्लांटेई, राइट। सो दिस वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लियर है भाई? यस सर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मोनेरो की जगह यहां पे ए समझ, ये ओ नहीं है, ए है, ठीक है ना, मोनेरा, ठीक है। अब देखो आपको क्या लिखना है कि अब आपको मैं लिखवा देता हूं कि मैंने अभी आपको बताया ना कि यूकैरियोट प्रोकैरियोट अलग किया उसने, यूनिसेलर मल्टीसेलर अलग किया, तो आपसे स्कूल में भी पूछा जा सकता है, और तो हमें यह लिखना है कि वाइटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम का बेसिस क्या था। तो चलिए हेडिंग डालेंगे द बेसिस ऑफ, हेडिंग द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ वाइटेकर, द बेसिस ऑफ
क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ व्हाइटेकर, ठीक है। तो चलिए इस हेडिंग में लिखना शुरू कीजिए, आर एच व्हाइटेकर वॉज एंड अमेरिकन टैक्सोनॉमिक, आर एच व्हाइटेकर वॉज एंड अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट, he classified organism on the basis of following five criteria आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं आपको फाइव क्राइटेरिया बताता हूं। The first criteria is a point wise डालते आएंगे heading wise. So the first criteria is complexity of cell structure. Complexity of cell structure. That is prokaryote and eukaryote. So the first criteria is complexity of cell structure. That is prokaryote or eukaryote. Second, complexity of body structure. Complexity of body structure. That is unicellular or multicellular. Complexity of body structure. That is unicellular or multicellular. Third criteria was mode of nutrition. So kaun kaun se mode of nutrition the? That is autotrophic, comma, heterotrophy, or absorptive. Fourth criteria, ecological lifestyle. इस इकोसिस्टम में वो कहां पे इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल इस पूरी इकोलॉजी में उनको किस जगह प्लेस किया जाए। तो इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल मीन्स दैट इज ऑटोट्रॉफ है, वो फूड बनाने का काम करते हैं, या फिर वो हेटरोट्रॉफ है, फूड खाने का काम करते हैं, या फिर वो डिकम्पोजर हैं। फिफ्थ क्राइटेरिया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब सिस्टम तो फाइलोजेनेटिक है तो लास्ट क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये फाइव क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे जो हमने आर एच व्हाइटेकर का ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पर पढ़ा, उस सिस्टम को बनाने का क्रेडिट आर एच व्हाइटेकर को जाता है इन फाइव क्राइटेरिया के बेसिस। बताइए भाई, क्लियर है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम? ओके, अब नेक्स्ट एक और चीज एडिशनली थोड़ा सा इसमें आपको मैं एड ऑन करना चाहूंगा, है ना, कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, व्हाट वाज द सिक्स किंगडम और कैसे सिक्स किंगडम को ऐड किया गया, या फिर कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, कोई बता सकता है क्या व्हाट इज द सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम? सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, तो क्या सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल नहीं, ये प्रपोज्ड है, दिस इज प्रपोज्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, इट इज प्रपोज्ड क्लासिफिकेशन। ये इसको प्रपोज किया गया और इसको प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कार्ल वूज,
कार्ल वूज ने कहा कि भाई एक छठा किंगडम बना दिया जाए। कैसे बना दिया जाए छठा किंगडम, किसको रख दिया जाए छठा किंगडम में, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई एक छठा किंगडम बना दिया जाए, और वो छठा किंगडम बनाया कैसे आएगा, सिक्स किंगडम बनाने का। तो उन्होंने कहा कि सिक्स किंगडम ऐसे क्रिएट करते हैं, उसने कहा कि जितने भी मोनेरा हैं, तो हमने कहा ठीक है भाई मोनेरा की बात तो सही है। उसने बोला कि जितने भी मोनेरा हैं वो सब क्या है, प्रोकैरियोट। हमने कहा ये बात तो हमें भी पता है कि भाई प्रोकैरियोट है। तो उन्होंने कहा कि नहीं इनमें भी कुछ खास बात, तो व्हाट वाज दैट। तो उन्होंने कहा कि देखो इनमें भी दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, कुछ है वो पहले आए कुछ है बाद आए। आप कहते हो कि प्रोकैरियोट जो है उनका रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब मोनेरा का रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, मोनेरा मेनली किंगडम ऑफ बैक्टीरिया है। हमने कहा बिल्कुल बात सही, मोनेरा जो मोनेरा है वो किंगडम ऑफ बैक्टीरिया है। तो उन्होंने कहा कि देखो बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक ऐसे बैक्टीरिया जो सबसे पहले इस अर्थ में आए होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली वो अर्थ की सबसे पहली सेल। तो उन्होंने कहा कि उन बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की वर्ड का मतलब होता है क्या, आर्की मीन्स एंशियंट, वेरी ओल्ड। आप पढ़ते हो ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो वो क्या करते हैं, वो एंशियंट चीजों की खोज करते हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। आप उन साइंटिस्ट को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हो, है ना, जो आर्कियोलॉजी को लाइक स्टडी करते हैं, है ना। तो उसने कहा कि आर्की बैक्टीरिया के लिए किंगडम बना दो, और कहा कि वो सिक्स किंगडम होगा, और सिक्स किंगडम का नाम हो क्या होगा, आर्किया। तो उन्होंने कहा कि एक आर्किया किंगडम बना, है ना। और उन्होंने कहा कि दूसरा जो किंगडम है उसमें दूसरे जो बैक्टीरिया है वो यू बैक्टीरिया है। यहां पर यू वर्ड का मतलब होता है न्यू, सो नए बैक्टीरिया। उन्होंने कहा कि एक काम करो आप इनको बिल्कुल बेसक मोनेरा में ही रखो, और ये मोनेरा पहला ही किंगडम रहने दो, लेकिन एक सिक्स किंगडम क्रिएट कर दो, दैट इज आर्किया, है ना। सो दैट वाज अ प्रपोज्ड किंगडम, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट इनके सपोर्ट पे थे, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जो इनके सपोर्ट में नहीं थे, और उन्होंने कहा कि ये फिजियोलॉजी में भी डिफरेंट है बैक्टीरिया से, नॉर्मल बैक्टीरिया से। तो सिक्स किंगडम इज अ प्रपोज्ड किंगडम का, क्लियर है? यस सर, समझ आ गया। चलो इसी बात को नोट करो। कार्ल वूज proposed six kingdom, Carl Woese proposed six kingdom archaea, six kingdom archaea in 1990. Full stop. He said that there is fundamental differences, he said that there is fundamental differences between archaebacteria and eubacteria, archaebacteria and eubacteria, hence there should be a sixth kingdom, hence there should be a sixth kingdom archaea. ठीक है, क्लियर है? अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन, यहां तक बताओ पहले, सबको क्लियर है? ठीक है, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन, बताना भाई अर्पित, तो वायरस को कहां पे रखा गया क्लासिफिकेशन सिस्टम में, वायरस कहां पे आते हैं, किधर रखा जाएगा उनको वायरसेस? सर वायरसेस को नहीं रखा जाएगा क्योंकि वो लिविंग में नहीं आते हैं, क्योंकि वो होस्ट बॉडी में जाकर लिविंग बनते हैं। ओके, प्रॉपर लिविंग नहीं होते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, ग्रेट, बिल्कुल सही बात है। वायरसेस आर नॉट नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, तो अभी भी वायरस का कोई फिक्स स्टेटस नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये फिफ्थ किंगडम क्लास, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वायरस क्या है, क्या स्टेटस है, कैसे होते हैं, कितने टाइप के वायरस होते हैं, कैसे वायरस को हम क्लासिफाई, लेकिन वायरस का अपना अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम है। हम वायरस को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखते, उसके दो रीजन। तो आप सब जानते हो वायरसेस आर, नोट करते हो, वायरसेस आर, फर्स्ट पॉइंट, वायरसेस आर सॉरी वायरसेस
viruses have not been given. Viruses have not been given any place in biological classification system. On the basis of following reason. First, they are not cell. तो क्या बोले उनको फिर? They are, तुम बारिश को क्या बोलते हैं? They are not a cell. That is, they are a cellular structure. तो अगर कोई पूछे वायरस के लिए आप सेल टर्म कभी यूज नहीं कर सकते. दे आर नॉट सेल, दे आर ए सेलुलर स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, दे आर नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. दे आर नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. They are called connecting link between living and non-living. They are called connecting link between living and non-living. ठीक है, तो वायरस ए सेलुलर है, स्ट्रक्चर है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की चीज है. तो वायरस एक अकेला ऐसा बायोलॉजी की फैमिली का बंदा है जिसको बायोलॉजी की फैमिली से अलग कर दिया है ना. तो इसे बायोलॉजिकल फैमिली से सेपरेट कर दिया गया, हटा दिया गया, निकाल दिया गया. ठीक है, ओके. आप देखिए, तो वायरस को हमने किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखा ही नहीं. अब वायरस क्या है, कैसे है, बाकी बातें हम लोग डिटेल में बाद में समझेंगे. अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहला वाला किंगडम स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना. तो हेडिंग डालेंगे किंगडम मोनेरा. तो एक बात, तो एक एक किंगडम हम लोग पढ़ते हैं. अब देखो, किंगडम मोनेरा की जब आप बात करोगे तो किंगडम मोनेरा में हम लोग किनको किनको कवर करने वाले हैं, पहले मैं वो मैं आपको बता दूं. तो सबसे पहले देखो, हम लोग कवर करेंगे जाके किसको, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे यू बैक्टीरिया. तो पहले मैं आपको यू बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा. यू बैक्टीरिया के साथ में इसी में आते हैं, दूसरे में आपको पढ़ाऊंगा ब्लू ग्रीन एल्गी, पीजीए. ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं साइनोबैक्टीरिया. और इसके बाद हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे आर्किबैक्टीरिया, जिन्हें हमने आर्किया कहा, तो आर्किबैक्टीरिया. और एक और पढ़ेंगे इसी के साथ में, माइकोप्लाज्मा भी मैं आपको बताऊंगा. तो डी में आपको बताऊंगा माइकोप्लाज्मा. अब एक एक करके हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द यू बैक्टीरिया, व्हाट आर द ब्लू ग्रीन एल्गी, व्हाट आर द माइकोप्लाज्मा. ठीक है, चलिए एक एक करके स्टडी करते हैं. एनसीईआरटी आप साथ रखेंगे, ठीक है ना, और चेक करते जाएंगे, कुछ आपका रह तो नहीं गया, है ना. और आप और एनसीईआरटी में भी कोई डाउट होंगे आप कौन से पूछते जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर करते जाएंगे मुझसे आप. चलिए अब हम लोग यू बैक्टीरिया की बात करते हैं. पहले मैं आपको एक यू बैक्टीरिया का, एक लाइक स्टैंडर्ड यू बैक्टीरिया का, या यू कहूं आइडियल यू बैक्टीरिया का मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको. तो हेडिंग डालेंगे यू बैक्टीरिया, है ना. तो हेडिंग डालिए, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यू बैक्टीरिया. और एक मिनट, यू बैक्टीरिया डालने से पहले हेडिंग यू बैक्टीरिया हटा दीजिए हेडिंग. आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, यू बैक्टीरिया समझने से पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिख लो मोनेरा के. कैरेक्टरिस्टिक लिखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनेरा। तो मोनेरा की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे स्कूल में पूछा जा सकता है अगर अभी तक आपके कोई यूनिट टेस्ट वगैरह नहीं हुए, और अगर ये चैप्टर है तो यूनिट टेस्ट में पूछ सकते हैं। फर्स्ट, दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो इनके बाहर सेल वॉल तो पाई जाती है, लेकिन इनके बाहर जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती, वो सेल वॉल किसी और मटेरियल की बनी होती है। तो नोट करेंगे, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन विच इज अ कंपाउंड ऑफ, which is compound of protein and carbohydrate, which is compound of protein and carbohydrate. Next point, they have mucilage, they have ये जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के बाहर चलाया जाता है और बॉडी को हाइड्रेट करके रखता है। दे हैव म्यूसिलेज, दे हैव म्यूसिलेज अराउंड द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए इज सर्कुलर एंड नेकेड, क्या मतलब हुआ? अब इसका क्या मतलब हुआ? डीएनए इज सर्कुलर एंड नेकेड, नेकेड मीन्स क्या हुआ? दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी प्रोटीन, नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटीन, इसके साथ कोई प्रोटीन नहीं पाई जाती, जबकि हमारी आपकी बॉडी में, यूकैरियोट्स की बॉडी में डीएनए के साथ में प्रोटीन पाई जाती है, उसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। यहां पर जो डीएनए है ये हिस्टोन प्रोटीन से सराउंडेड नहीं है, डीएनए के चारों तरफ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, राइट? सो डीएनए इज नॉट सराउंडेड बाय स्टोन, है ना? तो यहां पर स्टोन से सराउंडेड नहीं, तो डीएनए यहां पर क्या होगा? ये नेकेड। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव गैस वैक्यूल, दे हैव गैस वैक्यूल, तो इनमें गैस वैक्यूल पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन takes place through, multiplication takes place through binary fission, multiplication takes place through binary fission. Next point, mode of nutrition may be photosynthetic, comma, saprophytic, comma, parasitic, or symbiotic, कोई सा भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अब वो हेडिंग डालिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया में हम लोग जिसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं दैट इज ई कोलाई, तो ई कोलाई बैक्टीरिया है जिसका स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करते हैं। सर, हाँ जी बताइए। हाँ फिर बोलो बेटा। सर आप शेप्स वाला बता दीजिए, बैक्टीरिया जो ग्रुप होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, ऑन द बेसिस, हाँ बताऊंगा वो, इसी में बताऊंगा यू बैक्टीरिया में, ठीक है? मैं समझ गया, वो आप पूछ रहे हो ना, कोकॉइड स्प्रिलम, yes, है ना, है ना, वो मैं बताऊंगा अभी, इसमें यू बैक्टीरिया में बताऊंगा, ठीक है? आपको डायग्राम देख लेता हूं। तो सबसे पहले हम यू बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना, सेलुलर स्ट्रक्चर पहले समझते हैं।
एरा. देखिए देखिए अब यहां पर क्या है, ये एक बैक्टीरिया की सेल का स्ट्रक्चर है. इस बैक्टीरियल सेल में आप देखेंगे सबसे बाहर की तरफ जो कवर भी आपको ब्लू ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ना, उसको हम लोग कहते हैं कैप्सूल. कैप्सूल कैप्सूल के बाद दूसरी वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये ब्लू के बाद जो पिंक वाली लेयर दिखाई दे रही है, दैट इज सेल वॉल. सेल वॉल के बाद जो येल्लो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जगह पे फोल्डेड होती है, इस स्ट्रक्चर को मीजोसोम. मीजोसोम के अंदर आप देखेंगे कि यहां पर चारों तरफ ये जो मटेरियल भरा हुआ है, ये प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपको ये जो बड़ा सा फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये सिंगल सर्कुलर डीएनए है. यही बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, या यू कहें यही बैक्टीरिया का जेनेटिक, ठीक है. और बैक्टीरिया के अंदर कुछ एक्स्ट्रा छोटा सा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है. ये देखिए, ये बड़ा डीएनए जो है इसको हम क्रोमोसोमल डीएनए बोलेंगे, और ये जो छोटा सा डीएनए पाया जाता है इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं. प्लाज्मिड इज अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए. ये करता क्या है, ये बैक्टीरिया को बाहर से आने वाले किसी भी तरह के जो हार्मफुल सब्सटेंसेज उनसे बटाने का काम करता है. एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप बैक्टीरिया को किसी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन से मारने का काम करते हो, तो ये कोशिश करेगा कि बैक्टीरिया को उस एंटीबायोटिक मेडिसिन से प्रोटेक्ट कर लिया जाए. तो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम. नेक्स्ट, बैक्टीरिया में एनर्जी जनरेट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं पाए जाते हैं, जिनको आप पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया को भी सर्वाइव करने के लिए, अपनी रिएक्शंस को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी का सोर्स चाहिए. तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह यहां पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है, इसको मीजोसोम कहते हैं. ये मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करती हैं और बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, राइट. बैक्टीरिया के एंड पे 1 to 2, 1 to 4, 1 to 4 फ्लैजिला पाए जाते हैं. ये बैक्टीरिया को लोकोमोट करने में, बैक्टीरिया को स्विम करने में हेल्प करते हैं. तो दिस इज दिस. और इसके चारों तरफ आप देखेंगे थोड़े से हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम फेम्ब्रेई कहते हैं, राइट. जिनको हम फेम्ब्रेई कहते हैं. ये काम क्या करते हैं, ये वैसे काम करते हैं बैक्टीरिया को बचाना, मतलब एंकर करने का काम करते हैं. जिस सरफेस पे बैक्टीरिया को चिपकना होता है उसमें इसको एंकर कर लेते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को एंकरेज कराने में, मतलब हुक लगाने में हेल्प करते हैं. ठीक है, क्लियर? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ये डायग्राम बना लीजिएगा, और तब तक मैं आपको यू बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक नोट, ठीक है. तो पहले आप नोट करेंगे द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया. सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया. अब मैं आपको एक एक करके नोट कराता जाता हूं, ठीक है. स्ट्रक्चर लिखिए, फिर मैं आपको वो भी दिखाता हूं कि कितने तरह का बैक्टीरिया, शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं. चलिए नोट कीजिए, सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. तो सबसे पहले आ जाते हैं कैप्सूल. कैप्सूल इज मेड अप ऑफ, कैप्सूल इज मेड अप ऑफ ग्लाइको कैलेक्स. कैप्सूल इज मेड अप ऑफ ग्लाइको कैलेक्स which looks like a slimy layer, which looks like a slimy layer or mucilage, which looks like a slimy layer or mucilage. Full stop. It is made up of carbohydrate. It is made up of कार्बोहाइड्रेट. तो ग्लाइकोकैलेक्स एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. नेक्स्ट, सेल वॉल इज
cell wall is a protective structure. Cell wall is a protective structure. It is made up of peptidoglycan. Cell wall is protective structure. It is made up of peptidoglycan. Full stop. Next point. Plasma membrane. इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाई लेयर ऑफ लिपिड. बाई लेयर मतलब दो लेयर होती है लिपिड की. लिपिड मीन्स फैट. मेडअप ऑफ बाई लेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. नेक्स्ट पॉइंट. मीजोजोम्स आर द फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मीजोजोम्स आर द फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कॉमा बैक्टीरियल डीएनए रिमेन्स अटैच्ड विद देम. Bacterial DNA remains attached with them. Full stop. They help in energy production. They help in energy production like mitochondria. They help in energy production. Like mitochondria and they also help in bacterial division and they also help in bacterial division. Next one. Bacterial DNA is single and circular, comma. It is not associated with any protein. It is not associated with any protein. Let's stop. Next. Ribosome in bacteria have 70S size. Ribosome in bacteria have 70S size. देखो यहां पे जो S है, S denotes Swedberg. Swedberg एक साइंटिस्ट थे. तो स्वेडबर्ग ने राइबोसोम का साइज बताने का काम किया था. तो स्वेडबर्ग के रिस्पेक्ट में हमने इस यूनिट को एस कह दिया, स्वेडबर्ग कह दिया. ठीक है. सो द बैक्टीरियल राइबोसोम आर 70S इन साइज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड
they are responsible for protein synthesis and they are responsible for protein synthesis. One last thing. एक और चीज मैंने आपको बताया था कि वहां पे कुछ छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट पाए जाते हैं जिनको हम प्लाज्मिड कहते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए. प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए. Small circular DNA which plasmid are small circular DNA which protect bacteria against which protect bacteria against antibiotic protect bacteria against antibiotic and other things. One last. Bacteria have 1 to 4 flagella. Which help in locomotion. Bacteria have 1 to 4 flagella which help in locomotion. Full stop. They are made up of flagellin protein. Clear bhai bacteria ka cellular structure? All point clear? Afia? Clear? Yes, sir. Ifra? ठीक okay. आप देखो अभी जो आप मेरे से पूछ रहे थे कि बैक्टीरिया को हम लोग शेप के बेसिस पे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं. That is another type of the classification on the basis of what bacteria have been classified. So, in fact, bacteria ka jo nomenclature hota hai, usme bhi wo help karte hain. Jaise aap padhte ho diplococcus bacteria hai na, streptococcus hai na, aise bacteria ka aapne naam suna hoga. So, basically, three major type of bacteria paaye jaate hain. अब ऐसे बैक्टीरिया जो स्फीयर के शेप में होते हैं, गोल गोल बॉल की तरह होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोकाई. ठीक है, ठीक है. जैसे एक बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, है ना. तो एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई जो निमोनिया करने का काम करता है. अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई इसका मतलब कि बैक्टीरिया की जो सेल है वो स्फेरिकल है, और स्ट्रेप्टोकोकस इसका मतलब वो जो स्फेरिकल सेल है वो कैसी है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और निमोनाई निमोनिया डिजीज फैलाने का काम करता है, उसका नाम क्या हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. क्लियर है? तो देखो हमने क्या कहा, अगर ये स्फेरिकल है तो उनको हम कोकाई कहते हैं. तो पहले टाइप के बैक्टीरिया को कोकाई. अब अगर दो सेल एक साथ जुड़ी है तो हमने डिप्लोकोकाई बोला. चैन में जुड़ी है स्ट्रेप्टोकोकाई बोल दिया. चार एक साथ जुड़ी है टेट्राड बोल दिया. बहुत सारी एक साथ जुड़ी है सार्सिना बोल दिया. ढेर में है स्टेफाइलोकोकाई बोल. ठीक है, फिर जो रॉड के शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनको बैसिलाई बोलते हैं. तो आप क्या बोलते हो, लैक्टोबैसिलस. ऐसा बैक्टीरिया जो रॉड के शेप का है और लैक्टो मतलब लैक्टोज सुगर में काम करता है, तो हमने कहा लैक्टोबैसिलस एग्जाम्पल है. ठीक है, तो रॉड शेप बैक्टीरिया को बैसिलाई कहते हैं. ठीक है, ये बैसिलाई की चैन हो गई, है ना. फिर कुछ रॉड से बैक्टीरिया फ्लैजिलेटेड होते हैं जिनमें फ्लैजिल निकले. ठीक है, फिर तीसरे आते हैं स्प्रिल्स. स्प्रिल्स बैक्टीरिया वो होते हैं जो स्क्रू के शेप के होते हैं, है ना, स्क्रू शेप के, राइट. तो देखो ये इस तरह के जो होते हैं इनको हम विब्रियो बोलते हैं. ये जो इस तरह के शेप के होते हैं उनको स्प्रिला बोलते हैं. ठीक है ना, और एक और आखिरी बैक्टीरिया होता है
उनको हम कॉमा कहते हैं, है ना। विब्रियो का मतलब वैसे एक और होता है, उसको विब्रियो कहते हैं। तो विब्रियो का मतलब होता है कॉमा, है ना। तो चौथा जो कैटेगरी होता है वो मैं लिख देता हूं। बोलो समझ में आया बेटा, क्लियर है? शेप के बेसिस बैक्टीरिया को कैसे दिया गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक और मैं है वो मैं बताता हूं, एक चौथा शेप है विब्रियो। तो देखो, तो आप लिख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो पहला आपने कहा कि पहले बैक्टीरिया हैं जिनको हमने बोला कोकाई। कोकाई कौन है? स्फेरिकल, ऐसे ये कोकाई, ठीक है। फिर दूसरे बैक्टीरिया हैं जिसको हमने कहा बैसिलाई। तो बैसिलाई बैक्टीरिया कैसे थे हमारे? रॉड शेप। तो बैसिलाई बैक्टीरिया हमारे रॉड शेप, ठीक है। तीसरा है स्प्रिला, स्प्रिला कैसा है मतलब स्क्रू से। चौथा है एक और टाइप है विब्रियो। विब्रियो वो बैक्टीरिया होते हैं जो कॉमा शेप, जैसे अपन कॉमा लगाते हैं ना, कॉमा शेप इस तरह, है ना। तो ये चार तरह के शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को हम फोर कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। क्लियर है भाई? यस सर। देखो बैक्टीरिया में कोई और डाउट? कोई नहीं। कोलोनियल और फिलामेंटस क्या होता है? हाँ क्या बेटा? कोलोनियल और फिलामेंटस। कोलोनियल और दूसरे? फिलामेंटस। फिलामेंटस, अरे सिंपल बताता हूँ। अब देखना ये लिख लिया, इसको नोट कर लिया? यस सर। अब देखो अभी हमने जो डायग्राम देखा थोड़ी देर पहले, बताता हूँ मैं आप। अब यहां पर क्या हुआ, ये बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? फिलामेंट बोलेंगे, है ना। और जब बैक्टीरिया साथ में एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसी को हम कॉलोनी बोलते हैं। तो ये भी कॉलोनी है, ये भी बैक्टीरिया कॉलोनी है, ये भी कॉलोनी है, और ये कैसी है? फिलामेंट है, और फिलामेंटस कॉलोनी है, फिलामेंट से बनी हुई कॉलोनी। क्लियर है सर? जब लॉन्ग चेन बनाएंगे तो फिलामेंटस होगा किसी भी बेटा, कहीं पे भी बैक्टीरिया, ये भी कॉलोनी है। देखो अब बताता हूं, एक और थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर देता हूं। अब क्या होता है, मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा ध्यान से। होता यह है कि बैक्टीरिया आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, हमेशा हमेशा बैक्टीरिया कैसे होंगे? यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया कैन नेवर बी मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर क्या होते हैं? अगर किन्हीं भी दो प्लांट सेल के बीच में, ये दो प्लांट सेल, अब दो से ज्यादा सेल हो गई तो हम तो इन्हें मल्टी सेलर ही बोलेंगे, है ना। तो ये तीन प्लांट सेल हो गए, दो से ज्यादा हो गए। अगर प्लांट सेल अलग अलग हैं तो हम कहेंगे देयर आर थ्री यूनिसेलुलर प्लांट सेल्स। अब यहां पे प्लांट सेल के बीच में कुछ पोर्स होते हैं, अगर ये प्लांट सेल इन पोर से कनेक्टेड, इनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, इन कनेक्शन को प्लाज्मोडेस्माटा। तो अगर इफ देयर इज मोर देन टू सेल्स एंड दे आर कनेक्टेड विद प्लाज्मोडेस्माटा, so we will call it multicellular. In the same way, अगर ये प्लांट की जगह एनिमल सेल होती, अब ये प्लांट की जगह क्या है? एनिमल सेल, इसमें सेल वॉल नहीं है। और अगर ये एनिमल सेल है और ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो एनिमल सेल जिन इंटरकनेक्शन से इंटरकनेक्टेड होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेल जंक्शन, सेल जंक्शन।
तो अगर किन्हीं दो से ज्यादा प्लांट सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा है तो वो मल्टीसेलर है, अगर किन्हीं दो से ज्यादा प्लांट सेल के बीच में सेल जंक्शन है तो उनको हम क्या बोलेंगे, मल्टीसेलर एनिमल सेल बोलेंगे। लेकिन अब बैक्टीरिया तो कभी भी मल्टीसेलर नहीं हो सकते, लेकिन क्या होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया की बहुत सारी सेल इकट्ठा हो जाती, बट दे आर नीदर कनेक्टेड विद सेल जंक्शन नॉर कनेक्टेड विद एनी प्लाज्मोडेस्माटा, तो ये किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर के थ्रू एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होती। जब ये इंटरकनेक्टेड नहीं होती हैं, किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर के थ्रू इंटरकनेक्टेड नहीं होती हैं, ठीक है, तो आप इन्हें क्या कहोगे? अब एक बात कहो, ये मल्टी यूनिसेलर तो है नहीं, है क्या? नहीं ना, ये मल्टीसेलर भी नहीं है, बैक्टीरिया कभी मल्टीसेलर, क्यों? क्योंकि भाई प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है। तो कहोगे क्या? तो जब बहुत सारे यूनिसेलर बैक्टीरिया, ये कॉमन एक जेल जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपस में क्लोज है, तो कैसा फिलामेंट की तरह मुझे दिख रहा है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये जेल है, इसको म्यूसिलेज कहते हैं। जब बहुत सारे बैक्टीरिया एक म्यूसिलेज में इकट्ठा हो जाते हैं तो मल्टीसेलर तो उन्हें नहीं कह सकते, उन्हें यूनिसेलर भी नहीं कह सकते, तो कहेंगे क्या? इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे, दिस इज कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर है? कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। अब क्लियर है, बताओ? यस सर। अब ये कॉलोनी जरूरी नहीं किसी फॉर्म में, कॉलोनी कैसे हो सकती है? कॉलोनी तो भाई साहब ये ऐसे भी हो सकती है, देखो ये बैक्टीरिया है, ये बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड है, और ये बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे के साथ में जेल जैसा एक सब्सटेंस है, इस जेल जैसे सब्सटेंस से क्लोज है, तो सब बैक्टीरिया एक जेल जैसा सब्सटेंस है, उस जेल जैसे सब्सटेंस है आपस में इनक्लोज है। अब इसको भी क्या कहोगे, ये भी कॉलोनी है ना, लेकिन जब कॉलोनी इस तरह से स्ट्रेट होती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फिलामेंट। अब बताओ क्लियर है? तो दिस इज फिलामेंटस कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। अब बताओ क्लियर है? यस सर। तो ये फिलामेंटस कॉलोनी हो गई, और ये कैसे, दिस इज जस्ट अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, इट्स नॉट इन फिलामेंट फॉर्म, दिस शेप, ठीक। और बताइए भाई, और किसी का डाउट, एनी डाउट इस वाले पार्ट में? अभी तो हमें ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ना है, यू बैक्टीरिया का ही पार्ट है एक्चुअली, वो भी एक तरह का यू बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजे। कोई डाउट नहीं? ठीक है, ओके। आप देखो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। तो पहला मैंने आपको सब पार्ट बताया, आप देखो यहां पर क्या है, बहुत सारी ये बैक्टीरिया की जो सेल्स हैं, ये सेल एक फिलामेंट के फॉर्म में, कैसा है, फिलामेंटस है, चारों तरफ किससे क्लोज है, म्यूसिलेज, तो क्या हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉलोनी, कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। इसके बीच बीच में कुछ स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिनको हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ये हेट्रोसिस्ट क्या करती है, ये ऑक्सीजन के लिए, बाकी सब सेल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए परमेबल है, ये सेल ऑक्सीजन के लिए परमेबल नहीं होती, और ये बीच बीच में जो फिलामेंट में हेट्रोसिस्ट स्पेशल टाइप की सेल्स हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। ये एक तरह का क्या है, बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, क्लियर क्या? ये जिसका स्ट्रक्चर या डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस बैक्टीरिया का नेम है नॉस्टॉक, है ना, तो चलो हेडिंग लगाओ बीजीए, बी जी ए, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नोट करेंगे, दे आर अ टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया, प्लीज स्टॉप, They are also known as cyanobacteria. They are also known as cyanobacteria. They are also known as cyanobacteria. तो इन्हीं को blue green algae बोला जाता है, इन्हीं को cyanobacteria कहा जाता है, ठीक है। Example, नॉस्टॉक जो मैंने आपको दिखाया था, नॉस्टॉक, तो नॉस्टॉक कहाँ पाया जाता है,
No stock is found in a rice field. No stock is found in rice field. और काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन इसका काम होता है. तो एयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम होता है. नोट करेंगे. BGA आर फाउंड इन BGA आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ कॉलोनी. Form of colony and they help in nitrogen fixation and they help in nitrogen fixation. Next point. They have a special type of cell. They have a special type of cells. They have a special type of cells called heterocyst. They have a special type of cell called heterocyst, which are impermeable to oxygen and help in nitrogen fixation. Next one. BGA are chemoautotrophic. In mode of nutrition. BGA are chemoautotrophic in mode of nutrition. That is, they make food with the help of, that is, they make food with the help of chemical. ठीक है. तो ये थे हमारे ब्लू ग्रीन लगी और मैंने आपको नॉन स्टॉक का स्ट्रक्चर दिखाई दिया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके, है ना. बाकी के आपको जो बताया था मैंने, दो बैक्टीरिया वो भी पढ़ाऊंगा, आर्की बैक्टीरिया भी पढ़ाऊंगा और माइकोप्लाज्मा भी, और फिर आगे देखेंगे. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. दैट्स इट फॉर द डे. कोई डाउट हो बताइए. ऑल क्लियर? यस सर. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. इफ्रा क्लियर है भाई? Yes, sir. Right. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय. टेक केयर.